हजरत अमीर मुआविया ने अपना जड़ा तख्त बनवाया जिदे ते बैठ करके लोगों के फैसले किया करते सलना। तख्त ऐसा बनाया, मसनद ऐसी बनाई जिदे उपर कल्ले नहीं सन बैठिया करते, दो लोग बैठिया करते सन। कितने लोग? दो लोग बैठिया करते सन। एक साइड ते हजरत अमीरे मुआविया बैठिया करते, लोगों के अंदर फैसले किया करते। दूसरी साइड ते सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफसरे कुरान बैठिया करते, लोगों नू कुरान दी तालीम दिता करते। उस ही मसनत तो, उस ही जगह तो, वो बादशाहत उस ही प्लेटफॉर्म तो लोगों के मामलात भी ठीक होंगे, लोगों का कुरान भी ठीक होंगे। हुण तो कुरान के बारे तवज्जो ही कोई नहीं ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगली बात करते जाइए ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे, सैयदना अमीरे मुआविया नजर आए। अल्लाह दे नबी फरमान लगे, ए मुआविया, अल्लाह अगर तेनू हुकूमत अता फरमाए ते अल्लाह को डरदिया रहना। ये मतलब है ना, जिस तरीके दे नाल कोई बंदा अपने बेटे नू या अपने बरखुरदार अपने छोटे भाई नू किते भेजन लग्या या कोई जिम्मेदारी सौंपन लग्या, बंदा कहंदा भाई ध्यान दे नाल, बेटा तवज्जो दे नाल, किते मामला खराब ना हो जाए, परेशानी ना बन जाए, समझाने वास्ते बड़ा छोटे नू बात करया कर लाए। इस तरीके दे नाल अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, जामे तिरमजी शरीफ दे अंदर इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिरमजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने ना, रिवायत नकल फरमाते ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते ने, इन्नमा क़ाला लिमुआविया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन वहदी भी, अल्लाह मुआविया नु हादी बना दे, माविया नू हादी बना दे। हादी दा की मतलब है ना, हादी दा मतलब हदायत वाला, सच्चाई वाला, नेकी वाला, सदाकत ते शराफत वाला, इस्लाम और दीने कय्यम ते पाबंद रहने वाला। अल्लाह मुआविया नू हादी बना दे। महदी दा की मतलब है, हादी अलग बोलिया, महदी अलग बोलिया, महदी दा की मतलब है ना, अल्लाह महदी दा मतलब है होया करदा है जेड़ा खुद हदायत याफ्ता होवे, जिन्नू वेख करके लोग हदायत अख्तियार कर लैन, हिकमत वाला होए, हदीस वाला होए, मशले राह होए, उन्हों महदी बोले जाता है ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कयामत दे दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वा अलैहि रिदा उम्मिद नूरिल ईमान, मेरे मुआविया ते ऐसी नूरे ईमान दी ऐसी रोशन चादर होएगी ताकि कयामत वाले दिन दुश्मना ने मुआविया साड़ भुज जान। अल्लाह दे नबी दी बात है, मेरी बात नहीं। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, हजरत ने फरमाया, बुखारी शरीफ दी रिवायत मैं हुने मुतालिया करदा पिया सा ना जुमे तो पहले, अल्लाह दे नबी ने फरमाया ना, अव्वलु जैशी मिन उम्मती यग्ज़ून अल बहरा, मेरी उम्मत दा पहला गरोह, पहली जमात जड़ी पानिया दे रस्ते जिहाद करेगी ना, इस्लाम दी सर बुलंदी पानिया दे रस्ते करेगी ना। हजरत अमीरे मुआविया दुनिया के अंदर सब तो पहला बहरी बेड़ा तैयार फरमाने वाले दुनिया के अंदर। हाँ, अमीरे मुआविया कितने बहरी बेड़े इस्लाम दे दिफा वास्ते तैयार किते, 17,000 ते 500, कितने 17,500 इस्लाम दे दिफा नू मजबूत करने वास्ते इतने बहरी बेड़े तैयार फरमा दिते। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ दी रिवायत, कद उजीबू
खुश हो जान। अल्लाह ने उन्हां दी मगफरत फरमा दिती है, अल्लाह ने उन्होंने पसंद फरमा लिया है। जिन्हां ने समंदरां दे रस्ते पानिया दे रस्ते मेरे दीन नू बुलंद फरमाया। अल्लाह 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 अगली बात करके बात नू आखर ते लै करके जाइए ना। अल्लाह 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 हजरत उमरे फारूक दा दौरे, अल्लाह हजरत उमरे फारूक हमस दे दिन हमस दे इलाकियां दे अंदर गए ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो हमस दे गवर्नर ने ना हमस दे गवर्नर सईदिना उमर रजी अल्लाह तआला नो कुछ फितना बाज फसादी लोग सईदिना अमीरे मुआविया दी मुखालफत ले करके उन्हां दिया शिकायत ले करके सईदिना उमर रजी अल्लाह तआला दे दरबार विच हाजिर होए। आ करके शिकायत लगांदे ने ना, आ करके बदखोइयां करदे ने, फितना पाने दी कोशिश कर रहे ने ना। हजरत उमर अर्ज करदे ने लोग मुआविया दे बारे दे अंदर भलाई तो इलावा मेरे नाल कोई गल ना करो, क्योंकि मैं अल्लाह दे नबी दी जुबान मुबारक दे विचों समात कीता है ना। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मुआविया हदायत याफ्ता जे। सुभान अल्लाह।